कुछ ग्राम पैसे ही बता देते हैं आपको। अच्छा देखो, ओके ये लो, हमने अपने इसमें से निकाल लिए। देखो, और जो मोशन की क्वेश्चंस पर क्वेश्चन है वो कर लेती हो। सो लेट अस सी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ किसे कहते हैं? एक्सटी ग्राफ थोड़ा सा मोशन करा दे नीतु इनका एग्जाम में, फिर उसके बाद हम इस पर आए। एक्सटी ग्राफ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जैसे देखो, मान लीजिए एक ट्री कहीं पर खड़ा हुआ है, ये जीरो पर ऑब्जर्वर है और यहां पर 20 पर ट्री है। ये जीरो पर ऑब्जर्वर, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा, तो अगर वो ट्री को देखता रहेगा तो बोलो टाइम के साथ साथ इस ट्री की पोजीशन क्या कुछ बदलेगी? जैसे अगर मैं कहूँ टी और एक्स, जीरो सेकंड में कितनी डिस्टेंस है ट्री की बताइए? 20। और 1 सेकंड में, और 2 सेकंड में, और 3 सेकंड में। सो इफ ऑब्जेक्ट इज, मतलब स्टेटिक है या नॉट इन मोशन है, स्टेशनरी है, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे। एक्सटी ग्राफ दीदी, अपना पेपर निकाल लो, फिर नीतू को दे दो, वो भी ढूंढ लेंगे। सो देखो, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएं। डी एक्सिस इसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को, और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो ये बताइए जीरो पे कितना दिखाना चाहिए? 1, 2 और 3। तो जीरो पे 20, 10 और 20, और 1 पे कितना दिखाएं? 1, 20, 1, 20, 2, 20, 3, 20। तो ये कैसा ग्राफ हो गया? That is for an object which is stationary at rest. तो XT graph is linear and permanent to time. ये फिर से सेंटेंस बोलो। Displacement time graph, XT graph is linear and parallel to time axis. When object is rest. तो आपने ले लिया अपने पेपर्स, ठीक है, चलो। So सर मुझे वो वाले ग्राफ समझ नहीं जिसमें शेप बनते हैं और फिर उसके बाद उसका निकाला जाता है, जैसे ट्रेपेजियम। किसका? जैसे ट्रेपेजियम बनते हैं, रेक्टेंगल बनते हैं, फिर उसको निकाला जाता है सॉल्व करके, वैसे ही आएगा। चलो वो सब बता देंगे, ये आपने देख लिया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस पर हो? एट रेस्ट। तो एक्सटी ग्राफ कैसा होगा? इज लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब जरा देखो, मान लीजिए ये तो केस ए हो गया, केस बी देखो। अगर मान लीजिए ये मोटर कार चल रही है और अभी वो जीरो से चल रही है और इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो क्या अभिषेक आप मुझे बताएंगे कि 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ये इसकी पोजीशन, ये इधर जा रही है, तो 1 सेकंड बाद ये कहाँ पे होगी? 0 सेकंड पे तो 0 पे है, और इसकी स्पीड कितनी है? यानी हर सेकंड में 10 चल लेती है। 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? हर सेकंड में कितना चल लेती है? तो बोलो 1 सेकंड बाद ये कितने मीटर पर होगी? 10। और 2 सेकंड बाद? 20। और 3 सेकंड बाद? 30। तो मैं 1 सेकंड बाद इसे 10 पर रखूं, 2 सेकंड बाद ये कहाँ पहुंच जाएगी? 20 पे। और 3 सेकंड बाद ये कहाँ पहुंच जाएगी? 30 पर हो जाएगी। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? नाउ दिस इज एक्स, दिस इज टी। तो जीरो पे ये जीरो है, और बताओ 1 पे कितना हो जाएगा?
और टू पर और थ्री पर, तो वन पर टेन रखो, देखो ये वन, वन पे टेन है, टू पे टू, तो टी टू है और ये ट्वेंटी एक्स, और थ्री पर थ्री थर्टी। तो ऐसी स्थिति में देविका ये जो ग्राफ बना है इसके बारे में कुछ बोलो। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन, अभी आपसे बुलवाने में पहले इनसे बहुत अच्छा बोला है, हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा बोल रहे हैं। इसी को रिपीट करके दिखाओ तो। फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन एसटी ग्राफ विल बी इन लीनियर एंड स्ट्रेट एंड इन स्ट्रेट नॉट एट पैरेलल टू पैरेलल। फॉर ए ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सटी ग्राफ कैसा है, इज लीनियर, एक्सटी ग्राफ इज लीनियर एंड नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब जरा देखो तीसरा ग्राफ देखते हैं, बीटी ग्राफ। हाँ क्या एक्सीलरेशन था, इसमें एक्सीलरेशन जीरो है, बड़ी नहीं रही इसकी स्पीड, बस इसी स्पीड से जा रहा है, हर सेकंड बाद स्पीड ना बढ़ रही, टेनी से तो चल रहा है वो, सर हर सेकंड में 10 चलता है, कहाँ एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेशन में स्पीड बढ़ती है, इसका जीरो एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कुछ एक्सीलरेशन होता है, वो तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता, ठीक है कि नहीं। सो अब देखो तीसरी चीज है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसा कि कनिष्का ने बताया कि हमारे में वीटी ग्राफ के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सेंटेंस को पूरा करो अभिषेक वीटी ग्राफ के बारे में। फॉर एन ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता, दिव्या बताए तो बताए, हमको मालूम नहीं है, आपसे पूछ। देखो इन्होंने क्या बताया कि यही है ऑब्जेक्ट रेस्ट। अच्छा अब बताओ कि जीरो सेकंड में इसकी स्पीड कितनी होगी ट्री की, ट्री की स्पीड बताओ। अच्छा वन सेकंड बाद देखा तब ट्री किस रफ्तार से चल रहा है, वन सेकंड में जीरो, टू सेकंड में जीरो और थ्री सेकंड में जीरो, तो उसकी स्पीड तो जीरो ही रही। तो हम इसका वीटी ग्राफ बनाएं, तो दिस इज वी एंड दिस इज टी, टी सेकंड में है और वी किस में है, मीटर पर सेकंड में, जबकि एक्स किस में था, मीटर में था। अब जरा देखो तो वन सेकंड, टू सेकंड और थ्री सेकंड, जीरो सेकंड में भी इसकी कुछ स्पीड नहीं है, जीरो ही है, और वन सेकंड में जीरो, तो वन जीरो और टू जीरो ड्रॉ करो और थ्री जीरो ड्रॉ करो, तो ये कहां पर पड़ गया, अस्मिता यही सेंटेंस बोलो जो दिव्या ने बोला। कनिष्का इन बीटी ग्राफ द ऑब्जेक्ट लाए ऑन द प्लैनेट। अरे भाई कुछ कंडीशन तो बताओगी जब तो हम पता चले। हाँ और फॉर बीटी ग्राफ द The graph lies on the time axis. Mayam. Sir, for object at rest, the vertical graph is lies on the time axis. अब ये बोलना कि वस्तु की विरामावस्था में तो वेग और समय के बीच का ग्राफ जो है समय की अक्ष पर रहता है। So for the object at rest, ये तो बोलना पड़ेगा, VT graph lies on time axis. क्या लिखे हैं, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बीटी ग्राफ लाइज ऑन टाइम एक्सिस। अब देखो ये तो सी केस हो गया, एक बी देखिए कि मान लीजिए अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, सी वाले में हमने क्या बताया बताओ, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अब डी ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यही वाला है,
द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। कनिष्का मिश्रा देखो, हम तो आपका केस बता देंगे लेकिन बेसिक बेसिक चीजें तो बोलो। हम आपको बड़े बड़े टूल पकड़ा दें, बेसिक आप बोल ही नहीं पा रही तो उसका कुछ फायदा है? तो आपके हमें बड़े हाई फाई आते होंगे लेकिन बेसिक तो बोल के दिखाओ। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट अभी क्या है, हम वहां पहुंचेंगे लेकिन यहीं से चल के पहुंचेंगे, सीधे दसवीं सीढ़ी को नहीं पहुंच सकती हो कि उछाल के पहुंच जाओ। ये बताओ फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, अब सेंटेंस को कंप्लीट करो, वीटी ग्राफ कैसा रहेगा? यही है यूनिफॉर्म मोशन, एक स्पीड से चल रहा है, बताओ। इन ऑब्जेक्ट इन मोशन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन द वीटी ग्राफ इज लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम। सही है, करेक्ट, सही बता रही है। अरे इसको बोलने दो, जब वो ठीक बोल रही तो डायरेक्ट करती है। ये देखो टी अभी है जीरो सेकंड में, इसकी कितनी स्पीड है? वन सेकंड में, टू सेकंड में और थ्री सेकंड में, क्योंकि स्पीड तो टन ही रहेगी, वो उसी स्पीड से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इसका वीटी ग्राफ है ये 10 है और ये 20 है, और टाइम एक्सिस पर जरा दिखाओ 1 2 3, तो टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड। तो अब बताइए जीरो पे कितना दिखा दें और वन पे, टू पे और थ्री पर, तो ये क्या हो गया? तो क्या लिख दें कि फॉर ऑब्जेक्ट इन, सेंटेंस कंप्लीट करो, इन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट कितनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो है। एक तो गाड़ी इधर जा रही है, तो फॉर गिवन कंडीशन दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एट प्लस 20 मीटर, प्लस 20 मीटर पर रेस्ट पर है, ड्रॉ एक्सटी ग्राफ एंड राइट स्टेटमेंट। एक्स टी भी बनाना है और कैसा बनाना है? वीटी ग्राफ एंड राइट स्टेटमेंट। और दूसरा सवाल क्या है? ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन है जबकि उसका शुरू में टी इज इक्वल टू जीरो पर ये यहां पे था। सो यूनिफॉर्म मोशन draw xt and vt graph and write statement, tabulate मतलब टेबल भी बनानी है इन ऑल फोर कंडीशन। चलो सो ये चार सीख लो तो हम आगे के बनाएं।
देखो नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज एक्सीलरेटेड मोशन. सो ई पार्ट दैट इज एक्सीलरेटेड मोशन. अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? कि चलेगा तो यहीं से मेरे घर के सामने से ही निकलेगा, लेकिन वो रेस्ट पर है तो गाड़ी यहीं पर है, बट द व्हीकल इज एट रेस्ट. इसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और इसके ऊपर एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड. इस पर इसका मतलब है हर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ने वाली है, हर सेकंड में बढ़ जाएगी. अभी जीरो है लेकिन एक सेकंड बाद देखो तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी. तो ऐसा मोशन है, ठीक है कि नहीं. सो अच्छा ये बताओ कि हम इसका ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, ये जीरो है. तो देखें कि S क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो हम S की जगह X लिखें क्योंकि मैं XT ग्राफ बनाने जा रहा हूं. तो ये तो सौरभ तुमको पता होगा ना, ये इक्वेशन पता है कि नहीं पता है? क्यों क्यों नहीं पता? अभी मोशन चैप्टर पढ़ाया नहीं गया. अच्छा कोई बात नहीं. तो मतलब ये हो गया X हो गई डिस्टेंस, U हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और A क्या हो गया कि पर सेकंड उसकी जितनी स्पीड बढ़ती है. एक्सीलरेशन का क्या मतलब है कि जैसे तुम अपनी गाड़ी में रेस देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है कि नहीं, तो हर सेकंड उसकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ रही है. हर सेकंड बाद फिर 10 और बढ़ जा रही, फिर 10 और बढ़ जा रही. बोलो बात समझ में आ गई? तो एक्सीलरेशन हो गया, टी से तो टाइम हो गया, और एक्स से क्या हुआ बोलो, डिस्टेंस कि कितना तुम चले हो. एक्स क्या हो गया, दैट इज चलो देवी का सुहा जमा करो अगला तभी समझ पाओ. तो अब जरा देखो, जब t 0 सेकंड है तो बोलो x क्या होगा, u भी 0 है, t भी 0 है और a कितना है, तो कितना हो जाएगा बोलो, तो क्या x 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 तो 0, इसको ये 0 बना देगा, इसको ये 0. तो ये बताओ कि E और X, ये क्वेश्चन परसों कनिष्का ने पूछा था, तो हम उसी चीज को फिर से कर रहे हैं एक बार और आपको जिसे समझ में आ रहा है, ठीक है. तो जो दो ग्राफ कनिष्का ने पूछे थे कि सर अगर ऊपर की ओर कर दो और एक नीचे की ओर कर दो, ये नोएल ने तो ये पूछा था, तो वही चीज अभी बनने वाली है. देखो जीरो सेकंड में इसकी कितनी स्पीड है. अच्छा T इज इक्वल टू 1 रखो, तो 1 रखो, इसी में रखो 1, तो x इज इक्वल टू u तो 0 है, ये देखो, और t कितना रखा 1 हाफ, a कितना रखा 10, और बताओ t कितना है 1 का स्क्वायर. तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 प्लस 5 आ जाएगी, 1 से क्या लेना देना. तो x कितना हो गया 5. अच्छा 2 सेकंड रखे तो नोएल कितना हो, मेमोरी पे जाती हो वहां पे धोखा है, तुम नोटबुक नहीं करती हो क्योंकि तुमको कोई कैलीग्राफर चाहिए जो 10 रुपए पेज तुम्हारे लिए लिखे. तो एक्स इज इक्वल टू 2 सेकंड वो बता भी नहीं रही हो, और लोग बता रहे कितना आएगा 20, तो कम से कम बताया तो करो. तो यू टी इसी में रखें 2, यू कितना है 0, इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 0, यही जो इनिशियल स्पीड होती है यही तो यू कहलाती है कि नहीं. अच्छा 2 हाफ ए और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, तो बोलो एक्स कितना हो गया 0 प्लस और 5 छोड़ जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो 2 सेकंड में 20 हो गई. अब इसको इस पे ग्राफ बनाओ, आप दे दो, आप दे दिया
चलो, तो नाउ देखो, जीरो वन और टू, यहां कितना है 10 और यहां 20, दिस इज एक्स, एक्स इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। तो बोलो जीरो पे जीरो है और वन पर कितना है नमन, तो वन पे फाइव यहां दिखाना, वन पे कितना दिखाया देखो फाइव है कि नहीं, और बोलो टू पे कितना, तो ये है टू पे 20 यहां आ जाए। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये कैसा लग रहा है, कर्व है। तो अगर एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेशन क्या नॉइज यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, मोशन के चैप्टर में कोई आइडिया नहीं। हाँ बोलो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बोलो, हाँ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है ना, 10 का ही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन फिर भी यूनिफॉर्म। तो क्या बोलोगे इस मोशन को, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड छोटी सी चीज तुम्हारे लिए टन ट्विस्टिंग हो गई। सो यूनिफॉर्मली सेंटेंस भी पूरा करो कनिष्का चौहान, अरे स्टेटमेंट तो पूरा करो, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सटी ग्राफ इज कर्व्ड, इतना ही बोलना था, करो है XT ग्राफ कैसा है, कर्व। इतनी बात समझ आ गई, अब हम इसी का क्या देखेंगे, VT ग्राफ। चलो तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि VT ग्राफ इसका क्या होगा, देखो सो D और D का बनाओ, देखिए T है और ये V है, 0 सेकंड 1 सेकंड और 2 सेकंड और 3 सेकंड। तुमको ये बात मालूम है कि V is equals to U plus AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी V यहाँ पर सौरभ फाइनल वेलोसिटी है और U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी है और V फाइनल, इसको क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में वो जिस स्पीड से तुम चले, और ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। या अगर t 0 सेकंड है तो ऐसी स्थिति में v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो क्या क्या रखें, क्या यहाँ बोलो भाई 0 प्लस 10 इनटू 0, चलो 0 प्लस 0 तो v इज इक्वल, श्रेया अगला तुम बताना 1 सेकंड बोलो, देविका देविका अस्मिता टू पे कितना होगा, बहुत अच्छा आप तो बहुत अच्छा बताती हो, सो 2 सेकंड, तो v is equals to 0 plus 10 into 2, क्योंकि इनिशियली तो 0 ही है ना, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, तो 2 पे 20, कनिष्का मिश्रा 3 पे कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 into 3 लिख दोगे तो अब ये 30 हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओ, ये बताओ 1 सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड, दिस इज t और यहाँ इसकी स्पीड है, तो स्पीड 10, 20, 30, तो 0 पे 0 और 1 सेकंड पे 10, ये v है, ये v एक्सिस है मीटर पर सेकंड में, तो 1 पे 10 और 2 पे 20 और 3 पे 30,
ये कैसी कैसा लाइन बन जाएगा? अनिष्का बोलो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बीटी ग्राफ विल बी लीनियर नॉट पैरेलल इन टाइम। बहुत अच्छा, ठीक है रिपीट करो। अस्मिता रिपीट करो। कनिष्का चौहान फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सटी ग्राफ रिपीट करो। तो जवाब देना पड़ेगा, बैठी हो तो जवाब तारी बनती है तुम्हारी। हाँ बोलो। चलो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नमन सेंटेंस कंप्लीट करिए। VT graph is linear and not parallel to time axis. उसकी स्पीड एक सेकंड बाद बढ़ गई गाड़ी की, 10 हो गई, फिर एक सेकंड बाद और कितनी हुई 20, फिर 30, हर सेकंड में 10-10 बढ़ रही, यही तो एक्सीलरेशन है, स्पीड ही बढ़ती चली जा रही। अब एक उल्टा केस लेते हैं, इसमें ये ऐसे गई। अच्छा अब जरा देखो, एक तुमने ये भी केस देखा है क्या कि VT ग्राफ पैरेलल कब होता है टाइम एक्सिस के? कनिष्का चौहान, दिव्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब जरा देखो कि इसमें देखिए कि एक हम और केस लेते हैं, देखो कि ये कौन सा केस हो गया, जो भी है एफ हो गया ना। अब एक ऐसा केस है कि किसी ने रेस दी और घर से ऑफिस पहुंच गया, उसका ऑफिस उसके घर से 10 किलोमीटर दूरी पर, सही है, और फिर वहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, या कुछ दूर गया रेस देकर, फिर उसने अपनी गाड़ी बिना रेस के चलाई, ऑफिस नहीं है, थोड़ी देर तो उसने अपनी गाड़ी घर से निकाली तो रेस दी, फिर वो हाईवे पर पहुंच गया तो आराम से सोते हुए चला रहा गाड़ी। अब लेकिन उसको दिखा, अरे ट्रक आ गया, रोको फटाफट, या सिग्नल आ गया, तो अब यही वीटी ग्राफ उसने उसकी वेलोसिटी क्या उसे जीरो नहीं करनी पड़ेगी सिग्नल पर, तो जो वेलोसिटी उसने ग्रो करी वो कितने तक ग्रो करी, मान लो वो 20 तक ग्रो कर गया, भाई कुछ तो गाड़ी में कुछ तो रखोगे स्पीड, धीरे धीरे तो नहीं चला सकते, बल्कि हाईवे होगी तो तुम्हें 40 भी रखनी पड़ सकती है, चलो उसने 20 रखी, फिर वो एक स्पीड से चल रहा है, जैसा कि दिव्या ने बताया कि VT ग्राफ पैरेलल हो तो इसका क्या मतलब है कि V बदल नहीं रहा। और अब उसने क्या किया, मान लीजिए उसने कहा जल्दी से रोको, तो रोकने का काम उसने मान लो ये है कि 5 बजे वो घर से निकला, 5 PM तक, और 6 PM तक, 6 PM तक वो रेस देता रहा, और फिर उसके बाद ये 7 PM है और ये कितना है 8 PM, और ये उसके बीच में 7:30 PM तक उसने कहा चलो घर आने वाला धीरे धीरे स्लो करो, तो ये कितना हुआ, तो अब ये कैसा मोशन है बताओ, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन, और वो रिटार्डेड मोशन, उल्टा ग्राफ, उल्टे ग्राफ को तुम समझो, जो रिटार्डेशन है ना उसको समझो। मान लीजिए आप कहोगे ये तो आपने यहाँ पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया थोड़ी देर पहले कि वी कॉन्स्टेंट रहता है जब एक गाड़ी चलती है, वी टी बनाया कि नहीं थोड़ी देर पहले। एक और देखो, मान लीजिए कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने है और ये 40 की स्पीड से चल रही है,
लेकिन तुमने ब्रेक लगा दिया कि भाई आगे स्कूल है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें जो तुमने एक्सीलरेशन रखा है वो -10 मीटर पर सेकंड का रखा है, सही है? बहुत बेसिक सी बात है, टी इज इक्वल टू जीरो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तुम अपने मन से बताओ। अच्छा कोई तुम ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी धीमे होगी कि नहीं? उसे हर सेकंड इतना धीमे होना है, जैसे उसे हर सेकंड इतना बढ़ना था ना, ये सब की क्या जरूरत है? ऐसे ही कोई बता देता कि अगर एक्सीलरेशन 10 है तो हर सेकंड 10 बढ़ेगा, उसके लिए इतना झंझट करने की कोई जरूरत थी क्या? बोलो हर सेकंड सर 10 बढ़ाते चले जाओ। अब वहां क्या कहोगे, हर सेकंड 10 घटाते चले जाओ, क्योंकि रिटार्डेशन है, ब्रेक है। तो बताओ नीतू, ये बात तो तुम मुझे बता दो कि टी इज इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताओ। हमें नहीं पता, देविका आप बताओ। 40, क्योंकि जीरो पे उसकी कितनी है 40। अच्छा देविका ये मुझे बताओ 1 सेकंड बाद कितनी होगी, 80। तो मान लो जैसे कोई कहे कि v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, तो u की जगह 40 रख दो, एक्सीलरेशन की जगह -10 और 80 की जगह 0, तो v कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। ये तो 0 सेकंड में आया, और 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 40 माइनस 10 नहीं आ जाएगा 30, 2 सेकंड में कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20 नहीं आ जाएगा, 3 सेकंड में कितना आ जाएगा, तो बोलो 2 में 20 आया और 3 में 10 आया, फिर 4 में 4 तक आते थे ब्रेक लग गया। अब इसका ग्राफ बनाएं, ये देखो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 20 30 और, तो पहले 40 है, 0 सेकंड में देखो मैंने 40 दिखाया। अच्छा ये v है मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम है 1 2 3 और 4। अच्छा अब बताओ 1 पे कितना दिखा है, 40। 1 पे थोड़ी ना, 0 पे 1 सेकंड होते होते तो उसकी स्पीड घट जाएगी, तो अब इसे कितना दिखा है 30। अच्छा ये बताइए 2 पे कितना दिखा है, 20 और 3 पर 10, तो ये 10 हुआ, और 4 पर 0। अब इन सभी को मिलाया जाए तो क्या पता चलता है, तो ये रिटार्डेड मोशन हो गया। सो फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन VT ग्राफ इज लीनियर एंड अप्रोचेस टू टाइम एक्सिस, किसको अप्रोच कर रहा है, रिपीट करो। फॉर मतलब एक होता है कि त्वरण एक्सीलरेटेड, एक होता है मंदन, तो एक समान मंदन के लिए जो वेग और समय का ग्राफ है वो रेखीय होगा और समय एक्सिस को वो अप्रोच करता होगा। फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, इसमें ब्रेक लगा रहा है, फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन जो VT ग्राफ है इज लीनियर एंड अप्रोचेस टू टाइम एक्सिस, इतनी बात समझ आ गई, तो ये 1 2 3 4 है, तो ये मोशन कैसा हुआ बोलो, ये अप्रोच कर रहा है और ये हाँ देखो कैसा मोशन है, वी बढ़ नहीं रहा तो एक्सीलरेटेड नहीं बोल रही हो, ये मोशन कैसा है, एक्सीलरेटेड मोशन है, यहाँ एक्सीलरेशन है और यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन है, और ये पोर्शन कैसा है, यूनिफॉर्म
मोशन। अच्छा अब जरा देखो कि ये मैंने ऐसे ही बना दिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अभिषेक से मैं पूछूंगा और दिव्या से पूछूंगा अपनी जानकारी के लिए कि ये जो हिस्सा है इसमें ए की वैल्यू बताओ दिव्या, मुझे पता नहीं चल पा रही। अभिषेक बताओ, ठीक है इन्होंने अभिषेक ने फार्मूला लगा दिया, सर इसमें क्या बात है, ये V रखो और U रखो, U जीरो है और V कितना है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। इन्होंने कहा सर हमारे पास फार्मूला है आप उसी को रख के निकाल लिया करो, इसने पूछने वाली क्या बात है, तो बोलो उन्होंने बताया कितने पे पहुंच गया था 20 है और इनिशियल कितनी थी और कितना टाइम का गैप है, 1 आवर है कि नहीं है, तो यहाँ लिख दो 1 आवर और ये कितना है बताओ किलोमीटर पर आवर है। अच्छा मीटर पर सेकंड, तो सब कुछ तो ये तो भाई हम एक ही जैसा ले लें मीटर पर सेकंड ना लिखो, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, अभी सिंपल सिंपल चीज ही सीखें, कन्वर्जन तो करते रहेंगे ना, सबसे पहले सरल चीज सीखो किलोमीटर पर आवर। ये देखो तो बताओ क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, ये 1 आवर ऊपर भी जाएगा ना। अगर इतना ही समझ गई हो तो बताओ जो इसका थर्ड पोर्शन है ग्राफ का जिसमें वो अप्रोच कर रहा है वहां एक्सीलरेशन कितना, ये तो मैंने एक्सीलरेटेड मोशन के लिए बता दिया, अनिष्का आप बताओ रिटार्डेड मोशन के लिए, तो दूसरे लोग बताने के लिए तैयार हैं आप बताओ 0 - 20 अपॉन, तो इन्होंने बताया ए डैश इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, क्योंकि वहां तक आते आते ये रुक गया था, ये बहुत अच्छा बताया आपने 0 और इनिशियली कितना था 20 और समय कितना लगा तो 0.5, बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे श्रेया, ज्यादा नहीं पूछेंगे, बस आप मुझे इसका डिवीजन की वैल्यू बता दो, ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो हम मान जाएंगे आप थर्ड क्लास पढ़ी हो, चलो बताओ -40 किलोमीटर। 200 करो और 200/5 जो ये 5/4 जो ही नहीं कर पा रही वो कर लेते हैं 5/4 = 22, इतनी बात हो गई, तो रिटार्डेड मोशन हो गया। और जो इसका यूनिफॉर्म मोशन वाला सेगमेंट है वहां पर इसकी कितनी स्पीड थी, क्या 20 थी। अच्छा अब एक और बात बताओ, ये तीन ये तो निकाल लोगे ना, यस सर। एक बात बताओ जो मुख्य प्रश्न कनिष्का ने आज क्लास में आते आते बोल रही है सर अगर मान लो वो यहां से यहां गया और उसकी शुरुआती स्पीड कितनी है 0 और बाद की स्पीड कितनी थी 20 थी, तो ये मुझे बता दो कि इस पोर्शन में जब वो एक्सीलरेट करा था तो अमन कितना चला था, एक्सीलरेट कर रहा सो ये मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो ये ओ है ये ए है तो हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड। वैसे तुमको ये बात मालूम है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन सबको तो नहीं पता ना कि वीटी ग्राफ के नीचे जितना एरिया होता है वो क्या होती है, जिसे नहीं पता वो कैसे करे, सबको ये नहीं बात पता कि इसके नीचे का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल लो, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट कर दो आ जाएगा कि कितनी डिस्टेंस चला, लेकिन सौरभ कैसे करेगा उसको तो बात पता भी नहीं है, तो वो इस तरीके से करेगा। सौरभ क्या करेगा बताओ, बताओ इसकी वी एवरेज कितनी होगी, क्या U प्लस वी बाई टू बोलो, हाँ कितनी होगी वी एवरेज अरविंद, आप बताओ वो तो सवाल लिख ही दिया है, आप बताओ कितनी होगी 0 + 20 + 20/2 ये
भी पहले बता देती हैं। तो दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर से चला, ये भी एवरेज है। अच्छा अब मुझे बताओ कि वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा? बोलो, दैट इज वी एवरेज और इनटू टोटल टाइम। वी एवरेज कितना है? 10। और टाइम कितना लिया? बोलो कितना टाइम लिया? तुम्हें 2 घंटा लग रहा है 5 से 6। 1 आवर, तो इनटू 1 आवर तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए? 10 किलोमीटर हो गई। अच्छा मयंक किसको कैसे करते हैं? मयंक करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बताओ? इट इज एरिया अंडर मीटिंग ग्राफ। तो ओ ए डिस्टेंस कितनी हुई? जो मान लो जैसे हमने ये लिख दिया ओ ए बी, तो अगर मान लो कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है तो ये बताइए कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन है उसने उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। सो जो डिस्टेंस है ठीक है ये ट्रायंगल ओ ए बी की वो कितनी हो गई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लो ग्राफ ग्राफ से देखें तो बेस कितना आया मन? 1 आवर। और हाइट कितनी है? 20। तो क्या तब भी 10 ही आ जाएगा? सो 10 किलोमीटर चला कि नहीं? अच्छा ये बी है और ये सी है, ए बी सी और डी। तो अब इसमें बताओ मान लो वो 20 की रफ्तार से चल रहा है और 1 घंटा चला तो अब कितना और चल लिया? यानी अब मैं डिस्टेंस ए बी सी डी निकालना तो कितना वो बताओ? ए बी। तो अब देखो जब रेक्टेंगल होता है तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते नहीं? ये एक ट्रायंगल थोड़ी ना है। तो इसमें क्या करोगे? लेंथ कितनी है बताओ? ये लेंथ ले लो 1 आवर। और ब्रेथ कितनी है? 20। तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर आवर आवर टोकर लिया। अच्छा अब मान लो सी डी ई निकालो तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना ले लेते कनिष्का चौहान? 0.5। हाफ भी ले सकते हो 0.5। क्या लेना चाहोगे? हाफ ले, जो तुम्हें मर्जी हो तुम्हारा मन। और हाइट कितनी ले लें? 20 ले ली। अच्छा 25 जा 100 होता हाफ, लेकिन 100 नहीं लिखो 10.5 क्योंकि डेसिमल भी तो लगेगा भाई, एक डिजिट पहले डेसिमल नहीं लगेगा। और ये 2 से काटो तो क्या 5 किलोमीटर आ गया? Yes. अच्छा टोटल कितनी डिस्टेंस चली? रेस देने में 35। रेस देने में और फिर यूनिफॉर्मली चलने में और फिर ब्रेक लगाने में कितना चली टोटल डिस्टेंस? 35। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 प्लस 20 और प्लस 5। सो 35 किलोमीटर। लेकिन नोएल इसको डिस्कार्ड करें, सर आपका मेथड अच्छा नहीं है, मैं तो ट्रेपीजियम के ही मेथड से निकाल लेती, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देयर देन कैन ही। हमको तो ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला पता है, सर आप कहां इन सब चक्करों में पड़े हुए हो? तो क्योंकि वीटी का इनको एरिया तो निकालना ना, एरिया अंडर इसकी शेडो निकालनी है बस इनको। तो कह रहे सर ये तो ट्रेपीजियम बन रहा, तो बोलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले लिखो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या हो जाएगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अच्छा एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा? क्या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा? वो ओ
ए डी ई, कौन सा ट्रेपेज़ियम है? ओ ए डी ई। लेकिन उसका फार्मूला क्या होता है? क्या आपको मैंने ऐसा ट्रेपेज़ियम पर पढ़ा हुआ पा? हाफ इंटू इंटू हाइट। तो क्या श्रेया आप मुझे पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस बताएंगी? नीचे कितनी डिस्टेंस है, कितने आवर बन रहे हैं बताओ? So, 1 2.5 बन रहा है। अच्छा 2.5 तो नीचे बन रहा है, और ऊपर का कितना बन रहा है? तो 1। अच्छा, और हाइट बताओ? 20। बहुत अच्छा। तो अब ये 2 से इसको कट कर दो, 10 आया, और अंदर क्या आया? 3.5 इंटू 10, तो बोलो कितना आ गया? 35 किलोमीटर। क्या दोनों तरीकों से आपको समझ में आ गया? अच्छा, आप हमें दोनों ही तरीकों से करके दिखाइए, क्योंकि यही सवाल आने वाला है कि टोटल डिस्टेंस। तो मैं आपको पेपर देता हूं बाय बोथ द मेथड। ये मेथड है कि एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम का, और इसमें अलग अलग ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ये सेंटेंस बहुत जरूरी है, इसे आपको लिखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये जरूर लिखना है, क्योंकि इसी पे चैप्टर बना। चलिए, इतना ही करना, और कुछ नहीं करना। ये जो आधे बोर्ड में इतना करो, पेन पाओ, जो सही सही कर ले। अब समझ में आया थोड़ा? तो ये 6 से 7 बजे तक का टाइम है, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 6 से 7, 1 आवर। ये टाइम एक्सिस है ना, ये जो लेंथ होगी वही होगी। 6 से 7 बजे तक कितना घंटा, और ये 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा है। चल, हाँ, दोनों मेथड से करना है, क्योंकि ये A person starts from home. इसका मतलब ही है कि starts का मतलब है rest से चल रहा है, at 5 PM, at 5 PM. So he uniformly accelerates his car up to 20 km/h. ठीक है, अप टू 6 PM, यानी 6 PM तक वो रेस देता तो इतनी करता है, अप टू 6 PM एंड अटेन से स्पीड, और कितनी स्पीड पर आ जाता है बोलो? क्या 20 km/h? फिर उसके बाद वो क्या करता है? देन ही मूव्स विद यूनिफॉर्म, अंडर यूनिफॉर्म मोशन अप टू 7 o'clock. देन ही moves under uniform motion up to 7 PM. ठीक है, approaching to his neighbor's home, now he starts retarding his car. अब उसका दोस्त का घर आने वाला है. So approaching to relative's house, neighbor तो क्या होगा? relative होगा, उतने दूर neighbor तो नहीं होगा. Relatives house,
ही रिटार्ड्स, इसका यूनिफॉर्मली से बात मत करो, यूनिफॉर्मली एंड स्टॉप्स कार एट नेबर्स होम, रिलेटिव होम एट 7:30 PM को वो वहां पहुंच गया, ढाई घंटे की जर्नी के बाद पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रिलेटिव होम टू हिज होम, उसके घर से उसके संबंधी की दूरी कितनी है। फाइंड distance between his home and relative's home by two method, इसे दो विधियों के द्वारा आपको संपन्न करना होगा। दो method okay, now मेरिस्टमेटिक टिश्यू के कुछ बिहेवियर है, सो ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसा कि हमने देखा कि अगर एक अनियन ले लें और वो ग्रो करने लगता है तो उसके ऊपर एक शूट आ जाता है ग्रीन कलर का और नीचे रूट्स भी आ गई, तो हम देख रहे हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन है जहां ये ग्रोथ अकर कर रही है, ऐसा हो रहा है कि नहीं। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन, तो द दीज टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टमेटिक टिश्यू, these tissues are called meristematic tissues. After some time they stop dividing and growing. फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद जब पेड़ बड़ा होता है फिर ये ग्रो और डिवाइड नहीं करते हैं, दे टेक अ पर्टिकुलर शेप एंड साइज, उनका एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज हो जाता है, एंड different kinds of shapes of tissue perform different kinds of job, so this is called differentiated tissue या permanent tissue. तो फिर उनको कुछ काम करना पड़ेगा ना, सब यही तो नहीं है कि सब इंजीनियर बन जाएंगे क्या भारत के लोग, तो इस तरीके से हर साल को पेड़ में या हम लोगों की बॉडी में भी कुछ ना कुछ अलग अलग काम करना होगा। तो फिर when they undertake certain specific job then these are called, तब उन्हें क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। सो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, दैट इज यहां वाला बता रहा हूं आपको, दिस इज द रीजन याद रखना। सो ठीक है, नाउ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे स्टॉप डिवाइडिंग, दिस टिश्यू स्टॉप डिवाइडिंग, फिर ये बढ़ना बंद हो जाएंगे एंड बिकम मैच्योर, फिर मैच्योर हो जाएंगे ठीक है, एंड गेट स्पेसिफिक शेप, उनका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक शेप हो जाएगा। Now they undertake, फिर वो कोई काम ले लेंगे ना, undertake a particular job, वो job क्या हो सकता है, या तो protection of cell हो सकता है, जैसे epidermis, आपको मालूम है जो plant के बाहर की त्वचा होती है, epi का मतलब बाहरी और dermis का मतलब skin, जब हमारे त्वचा में कोई रोग हो जाता है क्या तुम dermatologist के पास जाते हो, जब तुम है ना, और जो जिसकी चमड़ी मोटी होती है क्या गैंडा, उसको पैकीडर्म कहते हैं, मोटी चमड़ी वाला। तो अल्टीमेटली तुम्हारे अगर डर्मिस में कोई इन्फ्लेशन होता है तो क्या उसे डर्मिटाइटिस कहते हैं,
डर्मेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जलन हो रही है, तो डर्म्स का क्या मतलब है बताओ? स्किन। डर्मिस का क्या मतलब है? और एपी का क्या मतलब है? बाहरी त्वचा। तो एपिडर्मिस और इसके अंदर भी एक स्किन है जब छिल जाता है, एपिडर्मिस, फिर मीजोडर्मिस और सबसे अंदर एंडोडर्मिस, पैकीडर्म। ठीक है, अब जरा देखो, तो वो कुछ ना कुछ जॉब ले लेते हैं, या तो वो क्या करेंगे, प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर पत्तियों में 10 दिन तक पानी गिरता रहा पेड़ की पत्तियों में, तो क्या पत्तियां सड़ जाएंगी? बताओ क्यों नहीं सड़ेंगी? जैसा श्रेया ने बताया कि उनकी रक्षा एपिडर्मिस करता है, बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि जो उसकी आउटर वैक्सी क्यूटिकल है, लेवल है, वो उसकी रक्षा करती रहती है। तो प्लांट में अब वो कुछ जॉब ले लेंगे, जब में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, शुरू शुरू में तो डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवीजन हर समय नहीं होगा। अब या तो उनको जाइलम बन जाना है, पानी पहुंचाना है ऊपर से नीचे से ऊपर, या ऊपर खाना बनता है ना पेड़ों में, तो ऊपर से खाना पहुंचाना है, फ्लोएम बन जाना है, तो वो क्या कर लेंगे? दे अंडरटेक सर्टेन जॉब। हाथ कटे खटाओ बेटा नीतू, तो दे अंडरटेक सर्टेन जॉब, ठीक है, और फिर उन टिश्यू को क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। वे क्या क्या काम कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, तो वो परमानेंट, या फिर क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, ये भी तो कर सकते हैं। वो कौन करती है? एपिडर्मिस। कौन करती है? तो नाउ पर्टिकुलर जॉब एंड आर कॉल्ड, क्या लिखे बोलो नोएल, ये कह रहे हैं हम हमको तो पढ़ लिखे हैं नहीं सर, हम कहा जाने, पर्टिकुलर जॉब एंड कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। अच्छा, क्या नोएल आप मुझे ये बता सकती हैं कि प्लांट टिश्यू कौन से दो तरीके के होते हैं? मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट। बहुत अच्छी बात है, मेरिस्टमेटिक कीप ऑन डिवाइडिंग एंड परमानेंट ये डिवाइड नहीं करते हैं। तो देखो मेरिस्टमेटिक, और दूसरा कैसा होगा? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक के देविका एपिकल लेटरल और इंटर कैलरी। देविका एपिकल का क्या काम है? ओके, श्रेया लेटर का नाम काम बताओ। और तीसरी चीज दैट इज इंटरकैलरी का क्या काम है? नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड, तो हम इन दोनों में अंतर स्थापित करें। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, सो अब जरा देखिए, जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, अच्छा एक चीज और जान लें इसके पहले, इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स, देखो काम तो करना ही है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे पैकिंग का काम, जब अमेजन में तुम्हारे पास होता है तो अंदर थर्माकोल भरा रहेगा या ग्लास भरी रहेगी, नहीं या पेपर की कटिंग भरी रहती कि नहीं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो पैकिंग के काम करते हैं। क्या काम करेंगे? तो जो पैकिंग के काम करेंगे, जैसे आम है तो आम की पैकिंग है लौकी, वाटर गार्ड, वो पूरा पैक है कि नहीं, विच इज फॉर फिलिंग ऑफ द प्लांट। और अभी अभी मेरिस्टेम से जस्ट बदले हैं, उनको अभी नया नया काम मिला है,
बिल्कुल नोविस है, नव सीखी है, तो उनको जो काम मिला है उनको सिंपल मैन, जो बहुत पुराने हो गए हैं, बॉस हो गए हैं ऑफिस के, वो सब किस में आएंगे? कॉम्प्लेक्स, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, पानी पहुंचाना और खाना पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड, अच्छा सिंपल में जिस जो ऐसे पार्ट हैं जो पैडी लीव्स हैं, लीव्स ऐसी देखी हैं जैसे ब्रायोफिलम की है या और कोई जो बहुत मोटी मोटी होती हैं, तो या फिर कोई भी फ्रूट ले लो, तो उनमें होता है पैरेन्काइम, जो किस तरीके का होगा, जूसी फ्रूट्स, ये बॉटल गार्ड, तो वो पैरेन्काइम है। अच्छा बताओ, फ्रूट ज्यादा सॉफ्ट होता है पैकिंग में कि उसका छिलका? छिलका ज्यादा नहीं होता है, तो जो छिलका बना है या लीफ की पिटियोल डंठल बनी, डंठल होती है नहीं, वो तो थोड़ी हार्ड होती है, लीफ तो टूट जाती है, डंठल नहीं टूटती है, तो पैरेन्काइमा से बना फ्रूट, कोलेन्काइमा से बनी डंठल, और उसके अंदर कभी लकड़ी देखी है, लकड़ी चबा के देखी, नहीं चबती है ना, तो उसको कहेंगे स्क्लेरेन्काइमा। तो तीन तरीके से फिलिंग होती है प्लांट में, फिल है ना प्लांट पूरा, तो एक होता है जो वुडन पोर्शन, तुम नारियल नहीं ले लो, जो पोर्शन कभी खराब नहीं होता, लकड़ी का बना होता है, जिसकी सारी न्यूक्लियस डेड, न्यूक्लियस ही नहीं उसमें, नॉन न्यूक्लियर है वो, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसके पैकिंग तीन तरीके से, बोलो किस किस तरीके से? एक पैरेन्काइमा जो जूसी है, जिसको हाथ से तोड़ा जा सकता है, और एक थोड़ा सा हार्ड है, कोलेन्काइमा, और तीसरा जो बिल्कुल वुडन है, उसका क्या नाम है बताओ? स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल में अब हम तीन चीजें देखने वाले हैं, और सिंपल का काम भी बताओ जरा, ये किस काम में आता है? बहुत अच्छा, सो दीज आर, इनको और ज्यादा काम नहीं दिया गया, बोला बस तुम प्लांट के अंदर सब पैक करके रखो, नहीं, तो ये किसके लिए है? फॉर पैकिंग के काम के लिए, तो लिखो पैरेन्काइमा, और दूसरा क्या है? कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये कहां पर पाएंगे? पल्प ऑफ फ्रूट, पल्प, देखो पल्प ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी कुछ होता है जो पोर्शन होता है फिलिंग, वो चीज हो गई, और ये पिटियोल ऑफ लीफ, पिटियोल का क्या मतलब है? डंठल, पिटियोल ऑफ लीफ, और ये जैसे कभी कभी कोई गुठली होती है आम की, तो उसके ऊपर लकड़ी का पोर्शन होगा, तो ये कैसा होगा? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा का मतलब है वुडन पोर्शन, जो टिम्बर, कैसा पोर्शन होगा? वुडन पोर्शन, ये और ये डेड है, ये लाइव है, और ये भी कैसा है? बोलो, ये लाइव है, ये सभी किससे बने हैं श्रेया, बता सकती हो? सही कह रहे, जैसा कि श्रेया ने बताया कि मेरिस्टमैटिक से ही बने, अभी अभी उनको काम दिया गया कि नहीं, तो शुरू शुरू में कहा जाएगा फाइल लाओ, फाइल पहुंचाओ, फिर ले जाओ, चाय लाओ, फिर धीरे धीरे सीख जाएंगे, चाय देते देते क्या काम कर रहा है, तो फिर उनको ऑफिसर बना दिया जाएगा, तो शुरू शुरू में तो यही काम दिया जाएगा कि नहीं, जो क्रिकेटर भी होते हैं वो पानी की बोतल लेके दौड़ते रहते हैं शुरू शुरू में, कि वो है ना विराट कोहली के पीछे लोग पानी पी लो, बाद में फिर उनका भी 12वां नंबर आ जाता है, फिर नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, तो इस तरीके से ये सिंपल है। और फिर कॉम्प्लेक्स में भी दो हैं, एक जाइलम और दूसरा, तो कॉम्प्लेक्स में दो हैं जाइलम और दूसरा फ्लोएम, दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और दूसरा किस चीज के लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए, इतना ही रखो। Welcome.